Hello and welcome to Bhadudi Foundation. Let's continue our lecture on carbon and its compound, Chapter 4, NCRT, Class 10. Nitrogen has the atomic number 7. Methane is widely used as a fuel and is a major component of biogas and compressed natural gas. It is also one of the simplest compounds formed by carbon. Hydrogen has a valency of 1. Carbon is टेट्रावैलट बिकॉज इट हैज फोर वैलेंस कार्बन में टैट्रावेलेंट होते हैं क्योंकि इसमें फोर वैलेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड तो ये कोवलेंट बोंड कहलाते हैं कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है उनका बॉन्ड स्ट्रोंग होता है विद इन द मोलिक्यूल्स बट इंटर मोलिक्यूल फोर्सेज आर वीक लेकिन उनकी इंटर मोलिक्यूल फोर्स वो कमजोर होती है दिस गिव राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और इसी से डिटरमाइन होता है कि किस मटीरियल का जो मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट है कैसा होगा ऑफ दिस कंपाउंड सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड सच कोवलेंट बॉन्ड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं जो कि नेचर में अवेलेबल है विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकली भी वो वेरिड कंडीशन में पाए जाते हैं इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम्स डायमंड में तो ये एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से रिलेटेड होता है बॉन्डिंग होती है फॉर्मिंग ए रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिससे एक कठोर रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ग्रेफाइट में ईच कार्बन ऐटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन आइटम्स ग्रेफाइट में एक आइटम तीन दूसरे कार्बन एटम से जॉइंड होता है बॉन्ड होता है इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल एरे हेक्सागोनल शेप में होता है वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज डबल बॉन्ड एंड दस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय बीइंग प्लेस्ड इन लेबो द अदर दिस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इवन दो देर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम कैमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के बावजूद भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकली बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है और जबकि ग्रेफाइट जो है वो सबसे स्मूथ और स्लिपरी सब्सटेंस बन जाता है ग्रेफाइट इज आल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स की कंपैरिजन में ग्रेफाइट बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का डायमंड कैन बी सिंथिसाइड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर फुलरेंस फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन ऑफ एलेक्ट्रोब्स फुलरेंस एक दूसरे प्रकार का कार्बन है द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वास सी सिक्सटी विच हैज़ कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ ए फुटबॉल टाइप में शेप में अरेंज होता है सिंस दिस सिंस दिस लुकड लाइक द जियोडिस्क डोम डिजाइंड बाय द यू एस आर्किटेक्ट मिनिस्टर फुलर द मोलिक्यूल वास नेम्ड फुलर क्योंकि बैक मिनिस्टर फूलर साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी इसलिए इसका नाम इस सब्सटेंस का नाम फुलरेंस ही पड़ गया है to continue this lecture subscribe our channel share this video to all your friends and download our app foundation.com to get pdf of this lecture and all videos at one place on ncrt thank you